नाबार्ड द्वारा प्रदेश के आकांक्षी जिला चंबा में स्वयं सहायता समूह और किसान उत्पादन संगठनों के लिए 2 दिवसीय ई कॉमर्स कार्यशाला का आयोजन किया गया। चंबा के कृषि विज्ञान केंद्र सरू में आयोजित इस कार्यशाला में विभिन्न ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर किसानों व स्वयं सहायता समूह को अपने उत्पाद विक्रय करने की जानकारी दी गई। नाबार्ड प्रबंधक ने बताया कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य चंबा के उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना है ताकि इन उत्पादों के बदले किसानों व ग्रामीणों को अच्छे दाम मिल सके। कार्यशाला के समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि उपायुक्त चंबा अपूर्व देवगन उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि चंबा के स्वयं सहायता समूह व किसान उत्पादक संगठन अपनी उत्पादों की चलो चंबा ऐप के जरिए भी अलग पहचान बना सकते हैं। इस अवसर पर सेवा संस्था के निदेशक डॉक्टर हरीश शर्मा ने उत्पादों की पैकिंग व मार्केटिंग की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब तक 5,000 किसान इससे जुड़ चुके हैं। प्रोडक्ट्स हैं उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि चाहे वो अपनी वेबसाइट बना के, चाहे सोशल मीडिया चैनल्स जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से, या फिर जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती है जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या फिर ONDC के माध्यम से हम इसको बेचें, तो वो हमारा पूरा मकसद था। क्योंकि हमारे चंबा ज़िले में प्रोडक्ट्स तो काफ़ी हैं लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ के प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी मार्केट में लिमिटेशंस आती है। और यहाँ पे जो हमारे साथ SHGs जुड़े हैं, मैक्सिमम SHGs जो हैं वो महिलाओं के हैं और उनकी भी एक लिमिटेशन है कि वो भी स्टेट से बाहर जाके या फिर डिस्ट्रिक्ट से लंबे समय तक बाहर जाके अपने प्रोडक्ट्स को नहीं बेच पाते हैं। तो हमारा ये मकसद है कि वो यहीं पे चंबा ज़िले में बैठ के अपने प्रोडक्ट्स को इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कैसे बाहर बेचे, ये इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य है। चंबा का उत्पाद को मार्केट में पहुँचाना है, उसकी ब्रांडिंग, पैकेजिंग और ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन, चाहे अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, ONDC है, भारत सरकार का नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खुला है, तो इस प्लेटफॉर्म पे इनके उत्पाद को बाज़ार में उपलब्ध करवाना है, यही आज का हमारा उद्देश्य है। अभी तक 75 समूचे जिला में 75 सेल्फ हेल्प ग्रुप है और 10 FPOs है, तो करीब करीब 5,000 के करीब किसान और SHGs की औरतें इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ी है। वहीं कार्यशाला में भाग ले रहे स्वयं सहायता समूह के सदस्यों ने बताया कि ये कार्यशाला उनके लिए बड़ी उपयोगी साबित हुई है। इसके जरिए उन्हें भविष्य में काफी लाभ मिलने की उम्मीद है। ये कंपनी नाबार्ड के सहयोग से बनाई गई है और आज हम यहाँ पे ई कॉमर्स की ट्रेनिंग में आए हैं, जो कि 2 दिन से यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है। इस ट्रेनिंग में हमें ऑनलाइन जो अपना प्रोडक्ट है उसको कैसे सेल करना है उसके बारे में बताया गया है। इस हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो मिलेट्स पे है। मिलेट्स पे हम पैकिंग ग्रेडिंग पहले से भी कर रहे थे, पर इस ट्रेनिंग के आने के बाद हमें पता चला कि हमारे प्रोडक्ट्स में क्या कमियाँ हैं जिनको हम इम्प्रूव करके और बेहतर बना के उनको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ONDC प्लेटफॉर्म पे सेल आउट करना चाह रहे हैं। हम सेल्फ हेल्प ग्रुप में जुड़ के प्रोडक्ट बना रहे हैं और सेल भी कर रहे हैं। पहले हमें कोई सुविधा नहीं थी, फिर जब हमने ट्रेनिंग ली तो उसके बाद हमने ये जो जूट के प्रोडक्ट हैं वो बेचने शुरू किए और कम से कम साल का हमारा 5 लाख रुपये इनकम है। तो और उसमें रॉ मटेरियल जो है हमारा वो यहाँ नहीं मिलता है, वो हम सोलन और दिल्ली से मंगवाते हैं। तो इसलिए पहले हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिले, तो हमने NRLM से जुड़ के हमें प्लेटफॉर्म भी मिले और अच्छी सुविधाएं भी मिली और अब हम ऑनलाइन जो है ये हम अपने प्रोडक्ट जो है वो बेचना चाहते हैं। और हमें जो ये 2 दिन का प्रशिक्षण मिला तो इसमें हमें भली भांति से समझाया गया है कि हमने कैसे अपने जो हैं वो प्रोडक्ट ऑनलाइन मतलब बेचने हैं।